Hello student, good morning to all. Okay, now let's see the next question from your next exercise 5.2. Okay, in this question, your first question is area of a triangle is 36 meter square and the length of its base is 12 meter. Okay, मतलब किसी ट्रायंगल का आपको एरिया दे दिया है, एरिया इज गिवन एंड मीटर ये भी आपको गिवन है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. ओके, सो फर्स्टली गिवन अस व्हाट इज गिवन हियर इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 36 मीटर स्क्वायर. Okay, and now base of triangle it is 12 meter. Okay, and we know that we need to find out one more thing. What hume kya find out karna hai? H, hai na? So let height of its height is the H2 है ना, हाइट को हम एच ही ले सकते हैं या फिर एच ले सकते हैं. इसको हमें फाइंड करना है, इसको हमने क्या क्या लेट किया है. नाउ वी नो दैट इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट इज 36 is equal to 1/2. Okay, 1/2 and base is 12. ठीक है, बेस कितना है हमारे पास 12. एंड यहाँ पर क्या आ गया, वैल्यू ऑफ एच यू डोंट नो है ना. यहाँ एच का वैल्यू हमको फाइंड करना है, 2 को मैं ऊपर ट्रांसफर करूंगी और 12 को मैं नीचे यहाँ पर ट्रांसफर करूंगी. क्यों? क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई में और ये क्या है, डिवाइड में. तो यहाँ पर क्या जाएगा, एच बचेगा. ठीक है, एच बचेगा और क्या हो जाएगा, 36 के मल्टीप्लाई में 36 मल्टीप्लाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज 12. ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, 12 हो गया. तो यहाँ से काटती हूँ मैं, 12 वन जा एंड 12 व्हाट 3 जा. सो नाउ वैल्यू ऑफ एच मींस हाइट इज 6 मीटर एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 6 मीटर एंड दिस इज योर आंसर, नोट डाउन. ओके डियर स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 5.2 से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं. योर क्वेश्चन इज इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 50 मोर देन, ओके ध्यान से पढ़िए, मोर देन इट्स सेकंड एंगल. ओके, मतलब किसी ट्रायंगल का सेकंड एंगल को क्या बोलता है, सेकंड एंगल से फर्स्ट एंगल जो है 50 मोर देन है. मोर देन मीन्स यू नो दैट प्लस 50, ओके मतलब जितना भी है उससे ज्यादा है. ठीक है, एंड थर्ड एंगल इज 25 मोर देन, और थर्ड एंगल कितना है, 25 मोर देन है बट डबल द सेकेंड, सेकेंड से डबल है. तो सबसे फर्स्ट ये क्या बोल रहा है, सेकेंड को बोल रहा है ना. ज्यादातर फोकस इसका कहां पर से है, सेकेंड से. हमको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेढ़ स्टूडेंट क्या करना होता है, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है. तो समझने के लिए हम उसको केयरफुली पढ़ते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लेट बी द सेकेंड एंगल ऑफ ट्रायंगल व्हाट इट इज एक्स. मैंने क्या ले लिया, ट्रायंगल के सेकेंड एंगल को एक्स ले लिया. ठीक है, एंड नाउ फर्स्ट एंगल इज व्हाट, 50 मोर देन द सेकंड. ठीक है, 15 मोर देन द सेकंड मींस हमारा सेकंड क्या है, एक्स है. इसमें कितना 15 का ऐड करना है, मोर देन करना है 15. ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए. एंड थर्ड एंगल इज व्हाट, इट इज 25 मोर देन बट किससे, सेकेंड एंगल के ट्वाइस से. ठीक है, डबल से. ठीक है, डबल ये देखिए यहाँ पर दिया है, डबल मीन्स हम क्या करेंगे,
करेंगे सेकेंड एंगल से डबल करेंगे, ये आपका आपका क्या गया 2x + 35। दिस इज द सेकेंड एंगल, दिस इज द फर्स्ट एंगल एंड दिस इज द थर्ड एंगल। सो नाउ वी ऑल नो व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, वी ऑल नो व्हाट इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके सो नाउ सम x, फर्स्ट एंगल इज x डिग्री प्लस 15 एंड सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल इज सो बी 2x डिग्री प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना क्लियर है? ठीक है, नाउ प्लस द वेरिएबल्स, हाउ मेनी वेरिएबल्स, इट इज 4x, ओके 1, 2 एंड 2 इज 4x एंड 15 एंड 25 इज 40, क्लियर? ओके इट इज 40, ठीक। एंड नाउ राइट साइड इज 180 डिग्री एंड व्हाट क्या करेंगे हम इसको 40 को ट्रांसफर करेंगे, सो नाउ 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40, क्लियर? नाउ व्हाट 4x इज इक्वल टू 140 माइनस 180 माइनस 40 इट इज 140 डिग्री एंड x वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बिकॉज़ द सेकंड एंगल इट इज सेकंड एंगल, सो x इज 4 इज ट्रांसफर 140 अपॉन 4, क्लियर? एंड नाउ 4 बन जाए एंड 4 क्या हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा 4 3 12 और ये क्या हो जाएगा 2 4 5 20। ओके सो नाउ वैल्यू ऑफ x इज 35, इट इज द सेकेंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके ये आपका क्या है सेकेंड एंगल है ट्रायंगल का, सो फर्स्ट और थर्ड में आपको वैल्यू को पुट करना है। तो फर्स्ट और थर्ड में वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, लुक इट हियर, लुक इट हियर, व्हाट फर्स्ट एंगल भी, फर्स्ट एंगल भी व्हाट x प्लस 15 मींस 35 प्लस 15 इट इज व्हाट 40 एंड 50 डिग्री, क्लियर? एंड नाउ थर्ड एंगल, थर्ड एंगल इज, थर्ड एंगल इज व्हाट 2 क्या है 2x मींस 35 2 × 35 एंड प्लस 25 इट इज 70 70 प्लस 25 इज 95 डिग्री। ओके क्लियर, सो दिस इज द फर्स्ट सेकेंड एंगल, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज थर्ड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस। डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी जान चुके हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कंसेक्यूटिव मींस कंटिन्यू नंबर, ओके एंड इज 555। फाइंड फाइंड इज मल्टीपल्स, ठीक है, इस मल्टीपल्स को आपको फाइंड आउट करना है, मतलब उस नंबर को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे फर्स्ट आपको कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव नंबर में क्या जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, क्या जाएगा फर्स्ट नंबर बी लेट फर्स्ट नंबर फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है, या फिर कुछ बोलो फर्स्ट नंबर भी एक्स, ठीक है, एक्स ले लिए, ठीक है, विच इज मल्टीपल ऑफ 5 जो कि क्या है 5 का मल्टीपल का एक कोई सा नंबर है जिसको हमने मान लिया। एंड नाउ सेकेंड नंबर ऑफ 5 मल्टीपल, सेकेंड नंबर ऑफ 5 मल्टीपल, यू कैन से दैट मल्टीपल्स इज व्हाट एक्स प्लस 5, ओके एंड थर्ड इज सेम एज व्हाट एक्स प्लस 5 प्लस 5, यू कैन से दैट इट इज एक्स प्लस 10, ओके दिस इज द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मल्टीपल्स ऑफ 5 नंबर। सो सम ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल मीन्स सबको सम करेंगे हम x प्लस
एक्स प्लस 15 एंड नाउ लेट्स गिव एक्स प्लस इट इज 10 एंड क्लियर इट इज क्या क्या हो जाएगा बोल रहा है इसको सम करने पर 555 ठीक है अब क्या करना है आपको देखिए डियर स्टूडेंट नाउ सम टू ऑल वेरिएबल्स हियर व्हाट x x एंड 3x इट इज 3x प्लस 5 एंड 10 इट इज 15 ओके 15 एंड राइट साइड हियर 555 आल्सो एंड व्हाट 3x इज हियर एंड नाउ ट्रांसफर द 15 ट्रांसफर द 15 555 माइनस 15 ठीक है अभी क्या हो जाएगा ये 540 हो गया और लेफ्ट साइड में 3x हो गया ठीक है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है x ये ट्रांसफर हो जाएगा नाउ 540 अपॉन 3 फाइंड द वैल्यू 3 1 जा एंड इट इज 1 जा ठीक है अभी क्या करना है हमको ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ x इज 180 डिग्री दिख रहा है सबको है ना यहाँ से हमने 3 से काटा 540 को काटा और ये कितना आ जाएगा 3 1 जा एंड ये क्या हो जाएगा 8 जा में आ जाएगा है ना और ये 0 का 0 ठीक है तो हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है और क्या फर्स्ट का वैल्यू आ गया सेकंड और थर्ड को है ना तो फिर से मैं यहाँ पर बताती हूँ आप देखिए ध्यान से सेकंड नंबर के लिए क्या जाएगा सेकंड के लिए क्या जाएगा x प्लस 5 ठीक है x प्लस 5 तो इसमें हम फर्दर प्लस करेंगे 180 प्लस 5 इट इज 185 ओके लेट्स सी द थर्ड व्हाट थर्ड नंबर भी इट इज x प्लस मींस 180 प्लस 10 इट इज 193 एंड दिस इज द नंबर कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ दिस प्रोसेस ओके डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं ये क्वेश्चन है आपका अ मोटर बोट गोस डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर ओके एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन्स इन 5 आवर इट कवर सेम डिस्टेंस upstream in 6 hours and the speed of water is 2 km per hour and what find the speed of motor boat in still water okay तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा स्पीड ऑफ बोट को फाइंड यहाँ से क्या करना है हमको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन को नहीं लिखी हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसके लिए ठीक है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है लैंड बी द स्पीड स्पीड ऑफ व्हाट स्पीड ऑफ बोट ऑन वाटर सॉरी वाटर इट इज एक्स ओके ये हो गया हमारा स्पीड को हमने क्या ले लिया एक्स अभी क्या करना है यहां पर हमको इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मतलब अपवर्ड में जाने के लिए यहाँ बस बता रहा है और डाउनवर्ड में जाने के लिए बता रहा है ठीक है क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको समझाती हूँ ए मोटर बोट गोस डाउन स्ट्रीम यानी एक मोटर बोट है जो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है ना डाउन स्ट्रीम में जा रहा है इन ए रिवर किसी रिवर में एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन और वो दो कोस्टल टाउन को कवर कर रहा है जिसके लिए कितना टाइम लग रहा है उसको टाइम कितना लग रहा है 5 आवर लग रहा है ठीक है अभी क्या करना है इट्स कवर द सेम डिस्टेंस और ये जब आप स्ट्रीम में आ रहे हैं तो इसको कितना घंटा लग रहा है 6 आवर लग रहा है जा रहा है तो कितना लग रहा है 5 आवर और उसके अप स्ट्रीम में आ रहा है तो 6 आवर लग रहा है ठीक है उल्टा ठीक है अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर यहाँ बस पानी का स्पीड कितना है वाटर का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज स्टिल वाटर तो हमको मोटर बोट के लिए यहाँ पर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मोटर बोट का स्पीड निकालने के लिए हम सबसे पहले उसको एक्स ले लेते हैं एंड नाउ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम मीन्स डाउनवर्ड यू कैन से इट इज डाउनवर्ड सो एक्स
प्लस टू, क्योंकि ये पानी के फ्लोइड एरिया से मतलब जैसा पानी का बहाव है उस पे जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड और मोटर बोट का स्पीड प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब पानी के बहाव के साथ अगर बह रहा है, ठीक है, मोटर बोट, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों के स्पीड को प्लस कर दिया, हो गया स्पीड, ठीक है। अगर और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर ना, याद रखिए, यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज 5 आवर, ओके। एंड नाउ स्पीड ऑफ बोट इन अपवर्ड, अपवर्ड के लिए क्या लग रहा है, अपवर्ड मीन्स आप स्ट्रीम बोल सकते हो, अपवर्ड इट इज एक्स माइनस टू, यानी ये पानी के बहाव के विपरीत दिशा में आ रहा है। तो अगर पानी इधर जा रहा है और इधर से बोट आ रहा है, डेफिनेटली वो एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेगा, इसके लिए क्या होगा, इसका स्पीड जो है कम हो जाएगा। तो जितना बोट का स्पीड है उसमें से क्या किए, दोनों माइनस होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, क्या गया, एक्स माइनस टू। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड के लिए, ये हो गया हमारा डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस कितना बन रहा है, यहाँ पर टाइम कितना बन रहा है, डिस्टेंस के लिए कितना बन रहा है, टाइम 6 आवर, ठीक है। तो 6 आवर के लिए क्या करना है, अभी देखिए दोनों पर डिस्टेंस क्या बनेगा, डिस्टेंस क्या बनेगा, दोनों के डिस्टेंस को मैं क्या करती हूँ, इक्वल करती हूँ, ठीक है। दोनों के डिस्टेंस को क्या करूंगी, मैं इक्वल करूंगी, डिस्टेंस ऑफ अपवर्ड साइड एंड डिस्टेंस ऑफ डाउनवर्ड साइड, ठीक है। तो क्या करूंगी, डिस्टेंस क्या बनेगा, डिस्टेंस फॉर अपवर्ड, ठीक है, एंड डिस्टेंस फॉर डाउनवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड साइड में क्या आ जाएगा, ये देखिए यहां पर ये अपवर्ड साइड है, तो एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई सिक्स, डिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, आपको पता है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड का वैल्यू कितना, स्पीड कितना है एक्स माइनस टू और टाइम कितना है 6 आवर। और डाउनवर्ड के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर स्पीड है हमारा कितना, स्पीड एक्स प्लस टू एंड उसका टाइम कितना लग रहा है 5 आवर। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 6 1 6x एंड 6 2 12 एंड 5 1 5 एंड 5 2 10, ठीक है। अभी देखिए 5 को ट्रांसफर करूंगी 6x माइनस 5x, 12 को ट्रांसफर करूंगी ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 12, क्लियर। नाउ 6 माइनस 5 इट इज x इज 22 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ स्पीड ऑफ बोट इज 22 किलोमीटर पर आवर, ओके। बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा।